इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के गरहा उप स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और बिहार सरकार में भूमि राजस्व मंत्री राम सूरत राय हैं, उनका पैतृक गांव है। यह उप स्वास्थ्य केंद्र उनके पैतृक गांव में है। इसकी बाहर की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, गोबर पड़ा हुआ है, जंगल है, कूड़ा है, केवल नहीं है तो यहाँ पर दवाई और स्वास्थ्य कर्मी। यह तब स्थिति है जब बिहार सरकार के मंत्री का ये गांव है और उनका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कितनी परेशानियों से लोग यहाँ आते जाते हैं और काफ़ी परेशानी हो रही। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है और ये कौन सा उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये गरहा उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, और बोचहा प्रखंड के अंतर्गत आता है। बाहर तो बड़ी बदहाली है, बहुत बदहाली है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग सरपंच हैं लेकिन कई बार बोले भी हैं जो बोचहा के प्रभारी को, जो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कभी कोई नहीं आता है, एकदम दावे से कह सकता हूँ। तो कोरोना संकट ऐसे में यहाँ पर कोविड टेस्टिंग वैक्सीनेशन का काम होता तो लोगों को सहूलियत होती। हाँ, लेकिन नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि सीधे एक नाम से है, इसके नाम पर गबन होता होगा निश्चित रूप से। यहाँ कोई कर्मी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। गढ़ा के प्रमोद राय सर, प्रमोद राय सरपंच हैं। काका बताइए यहाँ पर सर, बहुत ज़्यादा कीचड़ बना हुआ है, जंगल झाड़ लगा हुआ है, ना माटी उटी भरा उड़ा जाता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है। मेडिकल कर्मी बैठते तो हाँ, मल्टी में डॉक्टरी है, डॉक्टरी में लोग सर रहता है, अच्छा से बैठता उठता है, अच्छा से डॉक्टर आता जाता है। ठगा राम नाम हुआ, ये आगा राम जी हैं, बुजुर्ग हैं स्थानीय। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ। तो सर आप देख रहे हैं कि एक तरफ गोबर है, पानी है, और एक हमारी चाची इसमें शरण लिए हुआ है। स्वास्थ्य कर्मी कभी आना जाना करते हैं या नहीं करते हैं किसी को मालूम नहीं है। दिनों से बंद है लगभग, जब से शुरू हुआ है तो कोरोना काल में तो एक दिन भी कर्मी आते ही नहीं है। और यहाँ के कर्मी आके यहाँ के समाज या जनता के, दीपक कुमार साहब, ये दीपक हैं जो स्थानीय, आप देख सकते हैं कितनी बदहाली है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। जबकि मंत्री राम सूरत राय इसी गांव में रहते हैं, उनका पैतृक गांव है और वो गांव में रहते भी हैं, इसके बावजूद भी यह स्थिति है, वो भी कोरोना संकट के समय। ये उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ा है, उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ा है और जहां सरिता कुमारी एनएम की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आप इसकी बदहाली, बाहर की स्थिति तो देख ही चुके हैं, अब अंदर की स्थिति देखिए किस तरह से एक बूढ़ी काकी इसमें रहती है। और जहाँ दवाई और स्वास्थ्य कर्मी रहना चाहिए, जहाँ पर एक बूढ़ी काकी रहती है और उनका कूड़ा रहता है। किस तरह से रहती है यहाँ? ठीक से तो रही थी, आराम से अपन खाऊ चाहे ना खाऊ, अपन ऐ में पड़ल रही थी। वो सब क्या है? वो सब जरना धैले घर वाली में के। क्या नाम है आपका? आए क्या नाम है? दरबी देवी। दरबी देवी हैं, तो आप देख सकते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ दवाई होनी चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी होनी चाहिए, वहाँ पर एक बूढ़ी बीमार महिला हैं और न यहाँ दवा है न स्वास्थ्यकर्मी है। और यह उप स्वास्थ्य केंद्र मंत्री राम सूरत राय के पैतृक गांव का है, जहाँ पर वो रहते हैं, उसकी ये हालत है। तो दूसरे जगहों की क्या हालत होगी इसका स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।